विद्युत कटौती से परेशान किसानों ने सौली विद्युत उपकेंद्र पर दिया धरना। किसानों को विद्युत सप्लाई नहीं मिलने पर किसानों में आक्रोश। विद्युत उपकेंद्र का किया घेराव, घर घर की जमकर नारेबाजी। किसानों को नहीं मिल रहा विद्युत सप्लाई तो किसान दर्जनों ट्रैक्टर लेकर पहुंचे सौली विद्युत उपकेंद्र। किसानों से बात करने विद्युत उपकेंद्र पर नहीं पहुंचा कोई विद्युत विभाग का जिम्मेदार अधिकारी। लगभग एक घंटे बाद सौली विद्युत उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन में पहुंचे विद्युत अधिकारी गुलशन कुमार एवं विद्युत जेई और नैब तहसीलदार वाजिद हुसैन सुन रहे हैं किसानों की समस्या। सकरौली थाना क्षेत्र के सौली विद्युत उपकेंद्र पहुंचकर क्षेत्र के किसानों ने किया घेराव। सुरजीत पंडित जलेसर एटा से रिपोर्ट। आपका माँ बिकम पाल नाम है। कहाँ के निवासी हैं? भागलपुर के। क्या मामला है इसोली विद्युत केंद्र पे किसान काफी संख्या में? बहुत भ्रष्टाचार है रोए को। लाइट ज्यादा ज्यादा 12 घंटा की जगह पे 4 घंटा लाइट चल रही है। और हम तो अपनी पब्लिक से कह रहे, अपने नौजवान से कह रहे, तुम पेट्रोल ले आओ, पेट्रोल हम ही छिड़क के हम ही मारते हो और ले आओ पेट्रोल। लिखित में जा रहे हैं? हाँ, हम लिखित में जा रहे हैं कि बिजली के ऊपर काला हुआ। हम जा रहे हैं, ये एसजी मेरा कोई नहीं और ये कर्मचारी कोई भी। एक घंटा लाइट ना चलती थी। कितने घंटे लाइट मिल पा रही है आप लोगों को? ज्यादा ज्यादा 4 घंटा। 4 घंटा सप्लाई मिल रही है? 4 घंटा ही। कितने गांवों में समस्या है ये? कितने गांवों में समस्या है? कम से कम बैठेंगे 165 हजार। 165-166 रुपए। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग जयकर काम समर की कम से कम 16 घंटा वो काम घंटा 24 घंटा लाइव काम की चले। और नहीं, हम तो कह रहे नोना ले आ रहे पेट्रोल। सुने पेट्रोल ले आ, पेट्रोल हमें मारो, हमें वो चले हमें लगा। और जो पेप्सी पेपर बंद करते हो होगी।